जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में भिवंडी शहर के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता के बीच जाकिर हुसैन सैयद को जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ का महाराष्ट्र महासचिव बनाया गया। इस मौका पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब ने यह कहा कि हमारा मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय है। साथ ही साथ जाकिर हुसैन सैयद जिन्होंने महाराष्ट्र महासचिव का पद ग्रहण किया, उन्होंने कहा कि हमारा मिशन रहेगा जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के जरिए सभी को सही समय पर लाभ मिल सके। आइए चलते हैं अपने संवाददाता के पास, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भिवंडी शहर के अंदर और जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ जो समाज सेवा के प्रति प्रयासरत है, जन जागृति फाउंडेशन की तमाम नेशनल और महाराष्ट्र टीम भिवंडी शहर पहुँच चुकी है। असल में बात यह है कि भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ समाज सेवक जेके केबल ऑपरेट करते हैं और जाकिर हुसैन सैयद साहब जो काफी समाज सेवा में चर्चा में रहते हैं और लोगों के बीच हमेशा आते जाते रहते हैं समाज सेवा के विषय के बारे में, तो जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के नेशनल प्रेसिडेंट आफाक खान साहब, जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल पदाधिकारी इफ्तिखार खान साहब, जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के नेशनल स्पोक पर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब, महाराष्ट्र कमेटी के महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सुंदर सिंह साहब, महाराष्ट्र जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के सचिव सेक्रेटरी रामचंद्र पाटिल जी और इसी तरीके से महाराष्ट्र प्रवक्ता इरशाद अंसारी साहब जो बॉलीवुड स्टार हैं और इसी तरीके से ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे मीडिया प्रभारी सलीम शेख की भी पूरी टीम पहुंच चुकी है और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे इस मामले पर कि आखिर जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ से इतनी तेजी के साथ लोग जो जुड़ रहे हैं उसकी वजह क्या है। बातचीत करेंगे, सीधे हम चलते हैं। इस वक्त जो है इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और जाकिर हुसैन सैयद साहब को महाराष्ट्र का महासचिव बनाया गया है। आइए सीधे हम जानकारी लेते हैं और सीधे चलते हैं हम राष्ट्रीय प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब और उनसे जानेंगे कि आज ये नेशनल कमेटी महाराष्ट्र कमेटी आई हुई है, मकसद और मिशन क्या है। जी सर। टीवीएस टीवी के चीफ एडिटर एमएम बरकाती साहब और टीटीवी 9 के सलीम साहब चीफ एडिटर साहब और जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट अफाक खान साहब, सुंदर सिंह साहब, इफ्तिखार खान साहब, राम पाटिल भाई, इरशाद अंसारी साहब और हमारे मेहमान खुसूसी गेस्ट जिनको ऑनर किए हैं जाकिर हुसैन सैयद साहब, महाराष्ट्र महासचिव का पद से आपको नवाजा गया और उनके अजीज दोस्त हसीन जमील कुरैशी साहब, शफीक अंसारी साहब और उनके साहबजादे अशरफ सैयद साहब, आप लोगों का जन जागृति फाउंडेशन में तहे दिल से खैरो मकदम सुस्वागतम। जन जागृति फाउंडेशन जो है न्यायालय, परिवर्तन, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा चार मूल्य कार्य है और हमारा एम है। इसी चार कार्यों को लेके हम अपने काम को करते हैं। हमारे एनजीओ से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब अलग अलग फील्ड में सक्षम है और अपने कार्य में बिल्कुल कार्य व्यवस्था में बिजी है और अपना वक्त निकाल के खिदमत खल आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल के लोगों को जोड़ रहे हैं और जो मूल आधार है उसके ऊपर हम कंधे से कंधा मिलाकर काम साथ में कर रहे हैं। इसी तरीके से जाकिर हुसैन सैयद साहब जो खानकाह सैयद हैं, आले रसूल हैं और खानकाह से जुड़े हैं, सूफिज्म से जुड़े हैं, छोटे छोटे भिवंडी शहर में काम करते रहे हैं और काफ़ी दिनों की मुलाकात के बाद इन्होंने अपना इजहार, अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि आपके एनजीओ के साथ हम मिलकर कुछ कार्य, सोशल एक्टिविटीज, खिदमत खल पब्लिक की सेवा करने का कुछ हमें सर्फ का मौका दें। इसी मकसद के साथ आज हम उनके जो है
अहले खाना घर पे आए और आपने मेहमान नवाजी किया और हम लोग मिल के एक गंभीर चर्चा के बाद हम एक रिजल्ट पे एक बिंदु पे पहुंचे कि हमें अपने काम के साथ साथ समाज को भी थोड़ा बहुत अपने समय और अपने इल्म और जो कुछ हो सके कंट्रीब्यूशन हमें सोसाइटी को कर सके। और इसी मकसद के साथ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा मेन फोकस पर्यावरण, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के ही ऊपर मेन फोकस है, क्योंकि आज कोरोना काल COVID-19 के बाद से शिक्षा प्रणाली ऐसा डगमगाई हुई है कि लोग फीस तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन के नाम पे बिल्कुल नेशनल लेवल पे ठगी चालू है, स्कूल अपनी मनमानी कर रही है और बच्चे एजुकेशन से बहुत दूर चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी पहल है और कुछ दिन में हम बड़े काम इसके अंदर करने वाले हैं और एजुकेशन लोअर मिनिस्टर मिसेस गायकवाड़, वर्षा गायकवाड़ से भी हम एक बार मिल चुके हैं, काफी लेटरबाजी भी हो चुकी है, हायर एजुकेशन काउंसलर से भी हो चुका है। और अभी तक बच्चों का जब चुनाव आते हैं, दूसरे प्रोग्राम होते हैं तो क्राउड भीड़ भाड़ इकट्ठा रहती है, लेकिन बच्चों को कोरोना काल के नाम पे बिना बैठाया गया है घर पे और पेरेंट्स से सिर्फ फीस लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है और बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है शिक्षा। तो इसके ऊपर हम एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं सरकार के आदेश अनुसार और हमारी NGO बिल्कुल एक साफ सुथरी NGO है। हम न किसी से फिलहाल फंड लेते हैं, न कोई चंदा लेते हैं, न किसी की सहायता लेते हैं। हमारे जेब में जो रहता है हम अपने पर्सनल पॉकेट से ही हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर, अभी हाल ही में हमने सुना है कि आपके फाउंडेशन जन जागृति NGO पुलिस और पब्लिक मीटिंग करने वाली है, इससे क्या मकसद रहेगा, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। अभी हमारे विरार के एक ऑफिसर AYSP साहब, ACP सर चंद्रकांत यादव साहब को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया और हम लोग जाके उनकी हौसला अफजाई किए और उनसे मुलाकात किए और काफी जेन्युइन और बहुत डैशिंग, ईमानदार, ऑनेस्ट ऑफिसर है। उन्होंने हमको फुल कोऑपरेट करने का जो है सुझाव दिया और हमारे वो फुल कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और जैसा कि पुलिस स्टेशन में काफी चीजें हैं, लोग NC लेने जाते हैं, छोटी छोटी काफी चीजें हैं जो मेंटेन नहीं होता है, तो उस बारे में सर से हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है। और पुलिस पब्लिक की मीटिंग करके हम लोगों के दिल में एक पुलिस की पॉजिटिव जो है, पुलिस पॉजिटिव है लेकिन कुछ ऑफिसर हर जगह हर फील्ड में जो होते हैं 2-4-10 लोग, तो उनकी वजह से जो हमारे पुलिस प्रशासन की छवि कभी कभी खराब हो जाती है। तो ये मीटिंग के बाद हम हमारे एरिया में पॉजिटिव मैसेज देंगे। सुंदर सिंह जी, महाराष्ट्र कमेटी में आज जाकिर हुसैन सैयद साहब को महासचिव बनाया गया है, उनके आने से आपकी महाराष्ट्र टीम कितनी मजबूत हुई है? पहले तो मैं आपका वेलकम स्वागत करता हूँ और अच्छा लगता है कि आप लोग हम लोगों से जुड़े रहते हो, हर न्यूज को कवर भी करते हो और आज जो इनका आगमन हुआ है और उस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि हमारी जो टीम है वो बहुत मजबूत हो गई है और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि मतलब और हमारी टीम अच्छे से अच्छा कार्य करेगी। तो महाराष्ट्र प्रवक्ता इरशाद अंसारी साहब हैं सर, महाराष्ट्र महासचिव के पद पर आज जाकिर हुसैन सैयद साहब को नियुक्त किया गया है, क्या लगता है महाराष्ट्र टीम, आप महाराष्ट्र प्रवक्ता हैं, कितनी मजबूत हुई है और कितना मजा आएगा काम करने में? काम करने में तो बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले जाकिर अहमद सैयद साहब से मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ही खुशी हूँ आपसे मिलकर, आपने इज्जत जो दिया बहुत ही, और अल्लाह आपको इज्जत बहुत, और आप सबको हमारे तरफ से सलाम है। और ये जो अपने मीडिया है ये सही खबर सही न्यूज़ देती है, मैं देखता हूँ और बहुत जगह मैं भी जो हकीकत बात करता है वो सामने रखता हूँ, पब्लिक के सामने ऑलरेडी कितने सारे मैटर आते हैं मेरे पास वो सामने रखता हूँ, आप भी कॉपरेट करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग दोनों मिलकर यानी कि हम दो एक फैमिली बन के काम करेंगे आगे और बहुत ही मजा आएगा काम करने में और पूरा हिंदुस्तान हमें याद करेगा। चलिए, तो जाकिर हुसैन सैयद साहब, जन जागृति फाउंडेशन NGO ने आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, क्या लगता है किस तरीके से हो पाएगा ये सर? पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे आने का, मैं आपका तहे दिल से
मुबारकबाद देता हूँ गिरीश नाशीस को। आप लोगों ने जन जागृति फाउंडेशन ने मुझे बहुत बड़ा भरोसा करके एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे मुझे एक अच्छा अध्यक्ष महासचिव बनाया गया है। और हमारे एकदम खास हमारे मित्र, हमारे आफाक खान साहब, हमारे भाई, ये हमारे घर जैसे हैं। इन्होंने हमें उस पर बहुत अच्छा भरोसा किया और इंशाल्लाह अल्लाह चाह इनके हौसला अफजाई जो मुझसे की है, इनसे कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। और जन जागृति फाउंडेशन के जितनी हमारी टीम यहाँ खड़ी है, इंशाल्लाह जिस ये नाचीज के ऊपर जिस तरीके से भरोसा किया है, उस तरीके से अच्छे तरीके से अच्छी ताकत से और पूरी ईमानदारी के साथ में जन जागृति फाउंडेशन का मैं काम करूंगा। सर, जब हम इस एरिया में हमारी टीम पहुंची तो सुना यह गया कि आप राजनीति लाइन में भी काफी पकड़ रखते हैं और आगे जो है आप चुनाव वगैरह भी लड़ेंगे, क्या इसको देखते हुए आपको एनजीओ जो है इतना बड़ा बड़ा पद दे रहा है? नहीं, एनजीओ तो देखो एक ऐसा एक फाउंडेशन है, ये छोटे बड़े सब लोगों को इकट्ठा करके चलने वाली एक फाउंडेशन है। जो गरीब बच्चे हैं जिनको तालीम नहीं मिलती है, स्कूल में जाने के बाद फीस लिया जाता है, उनको बेंच पे बिठाया नहीं जाता है, बिना फीस लिए हुए भी बच्चों को वहाँ बिठाया नहीं जाता है, फीस भरने के बाद भी बिठाया नहीं जाता है, उस मुद्दे पे इंशाल्लाह जन जागृति फाउंडेशन जिस उम्मीद से मुझसे भरोसा की है, बच्चों की तालीम हो गई, बच्चों की कोई तकलीफ हो गई, इंशाल्लाह उस पर मैं खरा उतरूंगा, मेरे से जितना आएगा मैं उनका हेल्प करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ के न्यू नियुक्त महासचिव जाकिर हुसैन सैयद साहब ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जन जागृति फाउंडेशन एनजीओ का जो मिशन है ये कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरी मजबूती के साथ सोशल वर्क में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन सलीम शेख के साथ मैं मेंबर गांधी भिवंडी शहर।